Hello, I'm Romila. Welcome back to English Grammar Series. In today's session, we'll be learning different types of pronouns. We'll be starting with personal and reflexive pronouns. But before we begin, we have launched a crash course for RBI Grade B examination. So if you're preparing for RBI exam, ये course आपके बहुत काम आएगा. Crash course है, तो इसमें आपका सारा जो है सारे concepts, सारे chapters, सब कुछ cover हो जाएगा. इसमें 23 lessons है. एंड 22,000 का कोर्स है. अभी आपको 11,000 में मिल रहा है, विच इज अ ग्रेट डील. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कोर्स, नाउ इज द राइट टाइम. वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ प्रिपरेशन ऐप जिसमें आपको क्विजेज, एग्जाम अपडेट्स, मंथली जीके, डेली जीके ये सब मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर. सो लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट. पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर थ्री पर्सन्स. You must be familiar with this. First person, second person, third person. ये सुना होगा आपने. तो क्या है first person? The person speaking, जो बात कर रहा है. जैसे I am talking, तो I am the first person, I, right? Second person, the person spoken to, जिससे बात हो रही है. I am talking to you, so you are the second person. And third person, the person spoken of, जिसके बारे में बात हो रही है. Okay, a third person. तो first person, second person, third person. Each of these have different pronouns. Okay, हर एक के अलग अलग pronouns होते हैं. First person के में अलग pronouns use होते हैं, second person में अलग pronouns use होते हैं, and third person के लिए अलग pronouns use होते हैं. So let's start with first person. Now, first person के जो pronouns है वो subjective case, objective case, possessive case तीनों के लिए अलग अलग है. We have done cases in the previous session. ओके, तो सब्जेक्टिव केस में अलग प्रोनाउंस यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव में अलग यूज होते हैं, एंड पोजेसिव में अलग यूज होते हैं. सेम विथ नंबर, सिंगुलर में अलग होता है, प्लूरल में चेंज होता है. जैसे यहाँ देखो, सिंगुलर में आए है, प्लूरल में वी है, राइट? तो सबसे पहले देखो सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क. आई सब्जेक्टिव केस में है, तो आई प्रोनाउन यूज होता है सब्जेक्टिव में. प्लूरल होगा तो आई बिकम्स वी, हम. We should go together, okay? तो I and we subjective case में use होते हैं. Objective case में क्या आएगा? I becomes me. Will you help me? Will you help I नहीं होता, क्योंकि I subjective case है, okay? I subject है. Will you help me? Okay? Me objective case में है. यहाँ पे me is the object, okay? And we becomes us. She will help us. तो objective case में क्या use होता है? Us. पजेसिव केस. पजेसिव केस में दो आते हैं, माई एंड माइन. दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन. दोनों का मीनिंग सेम है, बस अलग अलग प्रोनाउंस यूज हुए हैं. पजेसिव केस क्या होता है? इट इंडिकेट्स पजेशन और ओनरशिप, राइट? प्लूरल में क्या आएगा? आर या आर्स. दिस इज आर कैट, दिस कैट इज आर्स. ओके, तो ये सारे हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है. आई, वी, मी, अस, माय, माइन, आर, आर्स, सारे फर्स्ट पर्सन है. इट रेफर्स टू मी और अस, हम. नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन में प्रोनाउन आता है यू. ओके, सब्जेक्टिव में आता है यू. सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सेम है. ओके, यू आर अ गुड पर्सन. सिंगुलर है पर्सन, यू आर ऑल गुड पीपल. प्लूरल है पीपल, दोनों के लिए सेम है यू. ओके, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम है. ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम है, यू ही आता है. लेट मी नो वॉट यू थिंक. यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. लेट मी नो वॉट यू ऑल थिंक, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है. तो देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू. ओके, पजेसिव में क्या आएगा? योर या योर्स. दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स. इज दिस योर डॉग, इज दिस डॉग योर्स. सो डू यू सी द डिफरेंस? पजेसिव में क्या आता है? योर एंड योर्स. तो यू, योर, योर्स, ये हो गए हमारे सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस. एंड फाइनली थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. थर्ड पर्सन में क्या आता है सब्जेक्टिव केस में? ही, शी, इट. ही इज अ गुड मैन, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है. इट इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस, इट भी सब्जेक्टिव केस में. शी इज अ गुड वुमन, शी इज अ ब्यूटिफुल वुमन. तो ही, शी, इट, ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस फॉर सब्जेक्टिव केस. प्लूरल में क्या आएगा? दे. They are good people. They are my friends. Okay? They. Objective में क्या आएगा? Him, her, it. You should talk to her. You should talk to she नहीं. You should talk to her.
ऑब्जेक्टिव केस है तो हर आएगा या हिम आएगा. यू शुड आस्क हिम, यू शुड टॉक टू हिम. आई कांट फाइंड इट, इट भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है. इट देखो, इट सेम ही है. ओके, सब्जेक्टिव में भी इट आता है, ऑब्जेक्टिव में भी इट आता है. ओके, प्लूरल में क्या आएगा, देम. यू शुड टॉक टू देम, ऑब्जेक्टिव केस है. यू शुड टॉक टू देम, दे नहीं आएगा, देम आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है. एंड फाइनली पोजेसिव केस. पोजेसिव केस में क्या आएगा, हिज, हर और हर्स. दिस इज हर बुक, दिस बुक इज हर्स. ओके, या दिस इज हिज बुक. ओके, एंड प्लूरल में क्या आएगा, द्या या द्यास. दीज आर द्या बुक्स, दीज बुक्स आर द्यास. सो ये सारे हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, हर्स, द्या, द्यास. ओके, सो दीज आर ऑल योर प्रोनाउंस. सो आई हैव समराइज्ड ऑल ऑफ दैट इन दिस टेबल. तो आपको बस ये टेबल रेफर करना है. जब भी कंफ्यूजन होगा प्रोनाउंस को लेकर तो बस ये टेबल रेफर कर लेना. इसमें सारे प्रोनाउंस आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ओके, केसेस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव में क्या आएगा, सिंगुलर, प्लूरल में क्या आएगा. ओके, सो ये सारे, दीज आर ऑल योर पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, बस ये टेबल अपने दिमाग में बिठा लो एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, नाउ यहाँ पे देख लो, पजेसिव में दो अलग अलग प्रोनाउंस दिए हैं, माई, माइन, आर, आर्स, देयर, देयर्स. तो इनमें क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव प्रोनाउंस लाइक माई, आर, योर, हर, देयर. इन पजेसिव प्रोनाउंस को पजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. वाई, क्योंकि वो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं. दिस इज माई बुक, बुक नाउन है. एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. दिस इज माई बुक, हुज बुक, माई बुक. सो द वर्ड माई, द प्रोनाउन माई इज डिस्क्राइबिंग कि ये किसका बुक है, ये मेरा बुक है, दिस इज माई बुक. तो माई यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम उसे पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं. सेम विथ योर, दोज आर योर बुक्स, दैट इज हर बुक, दिस इज आर कैट. तो दीज आर ऑल योर पजेसिव एडजेक्टिव्स, बिकॉज ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. लेकिन माइन, योर्स, हर्स, आर्स, दिस बुक इज माइन, दोज बुक आर योर्स, दैट बुक इज हर्स, दीज आर योर पजेसिव प्रोनाउंस. तो ये हो गया यहाँ यहाँ पे डिफरेंस. ओके, ये जो दो दो प्रोनाउंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर पजेसिव में, तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, आर इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, आर्स इज अ पजेसिव प्रोनाउन, देयर इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, देयर्स इज अ पजेसिव प्रोनाउन. ओके, जस्ट टू डिफरेंशिएट, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस और एनीथिंग, बस जस्ट टू नोट द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है दोनों में. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मेन पार्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. When two singular nouns, दो singular nouns की बात हो रही है, are joined by and, दो singular nouns है हमारे पास and दोनों join हुए हैं with the word and, okay, and are preceded by each or every, उनके पहले word आता है each या every, in that case the pronoun must be singular. Pronoun must be singular. Let's take an example. Every soldier and every sailor was in their place. Every soldier and every sailor was in his place. तो क्या बोला है? Two singular nouns. दो noun है हमारे पास, एक ये singular है soldier, ये भी singular है sailor. तो दो singular nouns है हमारे पास, joined by and. देखो यहाँ पे बीच में and आ गया. And preceded by each or every. यहाँ पे every आया है. ओके, प्रीसीडेड दोनों के पहले आया है एवरी या ईच. ओके, ईच या एवरी. सो इन दिस केस द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर. सो ईच, सो एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन देयर प्लेस, इनकरेक्ट है, देयर प्लूरल है. ईच, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, हिज सिंगुलर है, तो ये करेक्ट है. ओके, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, then the pronoun must be singular. Okay, every soldier and every sailor was in his place, not their place. Okay, singular pronoun aayega kyunki do singular nouns use hue hain. Now
when speaking of different genders, alag alag genders ki baat ho rahi hai, the plural possessive pronoun their can be used as a gender neutral pronoun, a gender neutral singular pronoun. Okay, agar aapke paas sentence hai, jaise humne wahan pe dekha each every sailor and every soldier, agar hamare paas sentence aa gaya ki every boy and every girl finished dash homework, to dash mein kya aayega, क्या प्रोनाउन यूज होगा, हिज आएगा, हर आएगा, क्या आएगा? सो इन दिस केस टू अवॉइड द कंफ्यूजन देयर इज यूज्ड एज अ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन. ओके, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज फिनिश्ड देयर होमवर्क, एवरी मैन एवरी वुमन हैज डन देयर ड्यूटी. ओके, नाउ नॉर्मली यहाँ पे हिज यूज होता है, इन सच केस हिज इज यूज्ड, मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज होता है जब अलग अलग जेंडर्स की बात हो रही हो. ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज डन हिज ड्यूटी, वो भी करेक्ट है. ओके, ट्रेडिशनली हिज यूज होता था एंड आज भी यूज होता है, लेकिन एज सोसाइटी हैज प्रोग्रेस्ड, सम पीपल क्वेश्चन कि मैस्कुलिन प्रोनाउन ही क्यों आना चाहिए, यू नीड टू यू शुड बी यूजिंग अ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन जो किसी भी जेंडर के लिए सूटेबल हो. तो द वर्ड द्या, द प्रोनाउन द्या इज नॉर्मली यूज्ड एज अ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन, दोनों के लिए चल सकता है, लाइक नॉट सिर्फ मेल और फीमेल, किसी भी जेंडर के लिए चल सकता है. ओके, सो इन सच केस वी यूज द्या. ओके, हिज भी करेक्ट है, हिज इनकरेक्ट नहीं है, हिज भी आ सकता है एंड द्या भी आ सकता है, बट इट इज रिकमेंडेड दैट यू यूज अ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट जेंडर्स. ओके, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज फिनिश्ड द्या होमवर्क, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज डन their duty. Okay, next, when a plural noun and a singular noun, do nouns hai, ek plural hai, ek singular hai, are joined by or nor, the pronoun must be in plural. Let's see, either the manager, ek singular hai, or his assistants, ek plural hai, ek singular noun hai, ek plural noun hai. Okay, when a plural noun and a singular noun are joined by or, देखो यहाँ पे or आ गया, or या nor, okay, कुछ भी हो सकता है, or या nor, okay, the pronoun must be plural, so either the manager or his assistants failed in his duty, incorrect है, his singular है, singular नहीं आएगा, यहाँ पे plural pronoun आएगा, either the manager or his assistants failed in their duty, okay, अगर एक plural pronoun आ गया तो एक प्लूरल नाउन आ गया क्वेश्चन में, सेंटेंस में, तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा. ओके, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा. ओके, ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ आई और मी क्या आएगा, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन आई एंड मी कि आई यूज होगा या मी यूज होगा. ही इज ओल्डर देन मी या he is older than I, which of these is correct? He is older than me, he is older than I. Confusing है ना, तो simple है, I is used in subjective case, I subjective case में use होता है and me is used in objective case, me objective case में use होता है. तो let's see subjective case first. देखो John and I were present, John and I यहाँ पे subjective case में है, John and I were present, तो in this case I use होगा. John and me were present incorrect है, me objective case में use होता है. Okay, so John and I were present is grammatically correct, John and me were present is incorrect. Harry and I are best friends, यहाँ पे भी subjective case है I. Okay, Harry and me are best friends incorrect है, I subjective case में आएगा, me objective case में आएगा. Okay, let's see objective case now. The presents are for you and me, ये correct है, the presents are for you and me, objective case. The presents are for you and I, incorrect है, I subjective case में use होता है. She is as old as me, this is correct. She is as old as I is grammatically incorrect. तो I is for subjective case, me is for objective case, always remember this. Okay, next, now you have to fill in the blanks with the correct form of pronoun. Bracket में दो pronouns दिए हैं, आपको correct use करना है यहाँ पर. So pause the video and mark your answers.
Okay, so I hope you've made a note of your answers. Let's check now. We scored as many goals as them. Objective case आएगा यहाँ पर. We scored as many goals as them. Objective case है तो them आएगा. Can you sing as well as them? यहाँ पे भी objective case है, इसलिए them आएगा. Wait for Hari and me. यहाँ पे भी objective case है. We just discussed this. I is for subjective case. Me is for objective case. Simple. There isn't much difference between you and him. यहाँ पे भी objective case है, तो you him आएगा. Okay? He is for subjective case. He and I were great friends. Now देखो, यहाँ पे subjective case है, इसलिए I आ गया. जैसे Hari and I are good friends. Okay? तो सब्जेक्टिव केस के लिए आई यूज होता है. Whom can I trust if not her? यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हर आता है. ओके, शी इज फॉर सब्जेक्टिव केस. शी एंड आई वेंट शॉपिंग टुगेदर, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस है, इसलिए शी आएगा. शी एंड आई वेंट शॉपिंग टुगेदर, नॉट हर एंड आई वेंट शॉपिंग टुगेदर. ओके, हर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. आई वेंट शॉपिंग विथ हर, तो इन दैट केस हर इज करेक्ट, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव है. ओके, यहाँ पे सब्जेक्टिव है, इसलिए शी आएगा. अगर कंफ्यूजन होता है तो वो टेबल रेफर कर लेना. ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाला. ओके, वो टेबल रेफर कर लेना एंड जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा. अच्छा, लास्ट सेंटेंस देखो. नो बडी बट हिम वॉज प्रेजेंट. नो बडी बट हिम वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा. क्यों? ये पॉइंट मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था. अ नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है. ओके, अ नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज 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 इन द ऑब्जेक्टिव केस. ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था ये पॉइंट. तो nobody but him was present, but हमारा preposition है यहाँ पर. Okay, but preposition है, तो but के बाद आया है हमारा noun, तो वो objective case में ही आएगा. nobody but him was present, not nobody but he was present. Okay, he नहीं आएगा, him आएगा. Okay, objective case आएगा. जैसे in these sentences, everyone except her went to the beach, except हमारा प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा. एवरीवन एक्सेप्ट हर वेंट टू द बीच, नॉट शी. ओके, शी सब्जेक्टिव केस में आएगा. नोबडी विल हेल्प यू बट मी, अगेन ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बट प्रीपोजिशन है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. अ नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए यहाँ पे आंसर हिम है. ओके, नॉट ही. नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ये तो बड़ा सिंपल है. पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? आई, मी, यू, हर, हिम. पर्सनल प्रोनाउन के आगे अगर सेल्फ लगा दो, ओके, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सिंपल है. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्व्स. अगर प्लूरल है तो सेल्व्स आएगा. ओके, ये सिंगुलर में आता है, ये प्लूरल में आता है. Themselves, ourselves, तो ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स है. बस प्रोनाउन के आगे सेल्फ या सेल्व्स ऐड करो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच जाता है. ओके, वेरी सिंपल. अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज सेम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज होता है? जब ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों सेम है. देखो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे. आई हर्ट माई सेल्फ, सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ. आई हर्ट माई सेल्फ, जैसे आई वॉज चॉपिंग वेजिटेबल्स एंड आई कट माई फिंगर. ओके, आई कट माई सेल्फ, तो एक्शन भी मैं ही कर रही हूँ. आई एम द डूअर एंड आई एम द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन. ओके, तो सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ. तो इन दैट केस आई यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ. आई हर्ट माई सेल्फ, नॉट आई हर्ट मी. ओके, आई हर्ट माई सेल्फ. She was sitting by herself. यहाँ पे भी object भी same है, subject भी same है. You should be proud of yourself. You, yourself, दोनों same है. The cat looked at itself. Cat ने खुद को देखा. Subject same है, object same है. They enjoyed themselves. We exerted ourselves. तो in all these sentences, the subject and object is the same.
okay, the doer of the action and the receiver of the action, dono same hai. So in such cases, the reflexive pronoun will be used. Okay, a reflexive pronoun is used when the object is same as the subject of the verb. So I hope reflexive and personal pronouns are clear. Jabhi bhi confusion hoga, wo table refer kar lena. Wo table is very important. Usse aapke sare doubts clear ho jayenge. Okay, kaun se case mein subjective mein kya aega, possessive mein kya aega, singular kya hai, plural kya hai. तो वो टेबल रेफर करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो अपने दिमाग में फिट कर लो एंड आपको फिर प्रोनाउंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन. दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इफ यू आर एंजॉइंग द सीरीज देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन.